नमस्कार। आंतरिक सामंजस्य मीन्स इनर हार्मनी। मनुष्य का स्वभाव है कि जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होती है तो उसे वो बाहर ढूंढने निकल पड़ता है। कई बार तो सारी दुनिया तलाश लेता है पर उसे वो चीज नहीं मिलती जो वो चाहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि कई चीजें भौतिक रूप में होती हैं जिन्हें ढूंढा या पाया जा सकता है, लेकिन इससे विपरीत कई चीजें ऐसी भी होती हैं जिनका कोई रूप नहीं होता, जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमारे मन और मस्तिष्क की शांति के लिए बहुत जरूरी होती है। और अगर वो हमें न मिले तो मन की गहराई में कुछ तालमेल बिगड़ने लगता है। इंसान के मन को समझना वास्तव में यूनिवर्स के रहस्य को समझने जैसा है। तभी तो विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि हम दो यूनिवर्स में रहते हैं, एक जो हमारे बाहर है और दूसरा जो हमारे भीतर है। विज्ञान की भाषा में सरलता से समझना चाहे तो हमारा शरीर बाहर से ऊर्जा लेकर उसे अंदर संयोजित करता है और यही ऊर्जा हमारे मानसिक और शारीरिक कार्यों को करने में हमारी मदद करती है। लेकिन जब यही ऊर्जा सही ढंग से या सामर्थ्य के अनुरूप उपयोग नहीं होती तो आंतरिक सामंजस्य जो है इनर हार्मनी बिगड़ने लगती है। हम कहते हैं ना मन बेचैन रहता है, मन बेचैन रहने लगता है। इससे बिल्कुल विपरीत मन एक छोटे बच्चे की तरह भी है जो कभी कभी छोटी छोटी चीजों से भी खुश हो जाता है और कभी उसे बड़ी बड़ी चीजें भी खुश नहीं कर पाती। कुल मिलाकर हमारे द्वारा किए जाने वाला हर काम या प्रयास या तो खुद के मन को या किसी और के मन को खुश करने के लिए किया जाता है। इसलिए शरीर और जीवन में मन की भूमिका तो आप समझ ही गए होंगे। इसलिए मन शरीर का केंद्र बिंदु है जो पूरे शरीर और मस्तिष्क को नियंत्रित रखता है। तभी तो हमारे यहां हर चीज को मन से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए मन की आंतरिक क्षमता को समझना बहुत ही आवश्यक है। मन का आंतरिक सामंजस्य जो है वो जब बिगड़ जाता है, मन के आंतरिक सामंजस्य के बिगड़ने से सब कुछ बिगड़ जाता है। विज्ञान की भाषा में कहें हम इसे डिप्रेशन भी कह सकते हैं, जिसका वैसे तो शायद कोई सटीक इलाज नहीं है क्योंकि जो चीज प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ही नहीं देती उसका इलाज करना बहुत मुश्किल है। हालांकि विज्ञान मन को मस्तिष्क से जोड़कर देखता है और डिप्रेशन को एक मेंटल डिसीज मानता है, लेकिन आप खुद अनुभव कीजिए कि आपको मन का एहसास आपके दिमाग में होता है या अपने सीने में। लेकिन विज्ञान शायद इसे स्वीकार नहीं करता है, पर मेरा मन कहता है कि मन जैसी कोई बहुत शक्तिशाली एक चेतना हमारे सीने में है जो हमें बुरा होने से पूर्व आगाह करती है, सचेत करती है।
देखिए अजनबी से मिलने पर एक अच्छी या बुरी फीलिंग देती है ना। हालांकि विज्ञान इसे सिक्स्थ सेंस भी कहता है, पर शायद ये हमारा मन ही है जो सबसे ताकतवर है, शायद दिमाग से भी। और जब ये बेचैन हो जाता है तो शायद मस्तिष्क भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। इसलिए इंसान मन की शांति के लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो भूल जाता है कि शांति उसके अंदर ही है, उसके पास ही है। इसे कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, ऋषि मुनि और हमारे जो पूर्वज थे, वो ध्यान करते थे। ध्यान कर वो अपने मन को शांत करते थे, अपनी समस्याओं का हल अपने भीतर ही तलाशते थे। विज्ञान भी इसे स्वीकारता है और विज्ञान में इस क्रिया को मेडिटेशन कहा जाता है। इसलिए समस्या आने पर हमेशा अपने मन को समझने की कोशिश करें। मन के भीतर ही समस्या का समाधान खोजने का प्रयत्न करें। खुद के मन को भी प्रसन्न रखें और कोशिश करें कि किसी और का मन आपकी वजह से दुखी ना हो। धन्यवाद।